हेलो फ्रेंड्स, 12 चेन ले लीजिए। ठीक है, 12 चेन लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चेन ले लीजिए। 12 चेन लेने के बाद ये एक चेन छोड़ के ये इस वाली चेन में हम इस तरह से लेंगे। सबको ऐसे छोटा रहेगा, इसे धीरे धीरे सब बड़ा होता जाएगा। ठीक है, एक के बाद एक थोड़ा बड़ा लेते जाइएगा। इस तरह से कंप्लीट कीजिए, धीरे धीरे बड़ा करते जाइएगा। देखिए, इस तरह से तिरछा थोड़ा बड़ा लीजिएगा साइड साइड से। ठीक है, इस तरह से सब चेन में। ओके, इस तरह से धीरे धीरे सब में बढ़ा लीजिएगा। ओके, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ले लीजिए। ओके, इस तरह से दस ले लीजिए, 11 ले लीजिए, जितना भी आपको। इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, ये तिरछा बड़ा होता चला जाएगा। फिर सबको जोड़ा जोड़ा बंद कर दीजिए, सबको दो दो लेके एक साथ इस तरह से बंद कर दीजिए। ठीक है, दो दो लेना है इस तरह से। इस तरह से ये आएगा, सबको एक साथ दो दो लेना है। ठीक है, अब इधर साइड से ये जो आपको चेन दिख रहा है इसके पीछे साइड से लेना है सब में। ठीक है, देखिए ये वाली, इस तरह से सबका पीछे से एक एक चेन लेके इसी तरह से धीरे धीरे बड़ा करते जाना है। ठीक है, सारा चेन आपको दिख रहा है उसी में आप लेते जाइए। पीछे वाले चेन से इस तरह से लेते जाइए। इस तरह से लेना है, सब बड़ा बड़ा हो जाएगा। पूरा चेन में ले लीजिए, जहाँ तक ये बना है वहाँ तक आप ले लीजिए इस तरह से। ठीक है, सबको जोड़ा जोड़ा बंद कर दीजिए इस तरह से। इधर साइड से घुमा के इस तरह से बंद कर दीजिए। देखिए, ये आपका ये लिफ्ट तैयार है। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। दोनों साइड से ही देखिए, इसमें बीच में एक लाइन आया है दोनों साइड से ही। ठीक है, इसे यहाँ पर बंद करके धागा काट दीजिए।
ओके इस तरह से ये आएगा। इस धागे को फिर इस पे इस तरह से पैक कर दीजिए। कट कर दिया। खूबसूरत बिलीप बन गया है। ठीक है, इसी तरह से बनाइए। बाय।